अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम बना रहे हैं मक्के का सजा। सर्दियों के दिनों में लोग मक्के की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे ढोकला, वाटी, पापड़, मक्के की रोटी, मक्के की राब, सभी हम मक्का की बना सकते हैं और ये सर्दियों में सभी को बहुत पसंद आती है। तो आज हम बना रहे हैं मक्की का साजा। मक्की का साजे की आप खीच भी बना सकते हो। खीच में हम मटर, धनिया, हरी मिर्ची नहीं डालेंगे और सभी मसाले डालेंगे। मक्की का साजा बनाने के लिए हमने 2 कटोरी मक्की का आटा लिया है और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से मटर। मटर से हमारे साजे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। थोड़े से हमने कड़ी पत्ते भी लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च उसको हमने एकदम बारीक कट कर लिया है, लाल मिर्च, अजवाइन, नमक, थोड़ी सी हींग, सौंफ और 1 छोटी चम्मच सोडा लिया है। आप इसमें पावड़ खार भी डाल सकते हो, पर हम सोडे से साजा बना रहे हैं। सोडे से आपका साजा बहुत ही अच्छा खिला खिला और एकदम फूल के बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं। आप साजे को कुकर, भगुनी या कढ़ाई किसी में बना सकते हो, पर मैं आज साजे को कुकर में बना रही हूँ। हमने 2 कटोरी आटा लिया है, इसके लिए हम 4 कटोरी पानी लेंगे। अब हम साजा बनाएंगे। साजा बनाने के लिए हमने कुकर लिया है, उसमें हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। अब हम गैस को चालू कर देंगे। पानी को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें आटा डालेंगे। अगर हम ठंडे पानी में आटा डाल देंगे तो हमारा साजा अच्छा नहीं बनेगा। देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आटे को हम धीरे धीरे डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, तभी हमारे साजे में गुठले नहीं पड़ेंगे। अब हम इसे अच्छे से लाएंगे, उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हमने इसमें आटा सीम आंच पे ही मिलाया है, तभी हमारा आटा अच्छे से घुलेगा और हमारे साजे में गुठले नहीं होंगे। अगर आपके साजे में पानी कम रहे तो आप उसमें गर्म करके पानी डालें। ठंडा पानी डालेंगे तो हमारे साजे का टेस्ट खराब हो जाएगा। साजे के पापड़ बनाएंगे, तभी हम ऐसे ही साजे को सीम आंच पे करके ही मिलाएंगे, तभी हमारे साजे में गुठले नहीं होंगे और उससे हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए हमारा साजा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, उसके बाद सोडा, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मिर्ची, हरी मिर्च और थोड़े से मटर और मीठी नीम के पत्ते। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम साजे में 1 छोटी चम्मच तेल ऐड कर देंगे, जिससे हमारा साजा बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा और हमारे कुकर के भी नहीं चिपकेगा। देखिए हमने साजे में सारे मसाले ऐड कर लिए हैं और हमारा साजा सीजने लगा है। इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी जाली भी पड़ने लगी है। अब हम इसको ढक के 1 सीटी तक पकाएंगे। कुकर के ढक्कन लगा दिया है, अब हम इसको 1 सीटी तक पकाएंगे। देखिए हमारे कुकर में 1 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारा साजे बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।